ठेकेदार की मनमर्जी का खामियाजा जनता भुगत रही है। थावरिया बाजार क्षेत्र में बनाई जा रही सड़क की खुदाई मुसीबत बन गई है। ठेकेदार ने 5 दिन पहले काम शुरू किया था। मनमर्जी की खुदाई के कारण पाइपलाइनों के फूटने से काम बंद करना पड़ा। निर्माणाधीन सड़क पर खुदाई से बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे ना तो वाहन निकल पा रहे हैं ना ही पैदल राहगीर। अब जब तक फूटी पाइपलाइनों को दुरुस्त नहीं किया जाता, तब तक काम शुरू नहीं हो सकेगा। क्षेत्रीय रहवासी ने बताया, ये 5-1 दिन होगा, 4-5 दिन होगा। काम बंद क्यों पड़ा हुआ है? नहीं, काम तो चल रहा है। बाकी अब क्या, पाइपलाइन जुड़ी है आज पाइपलाइन का काम नहीं बन गया। लेवल कर रखा नहीं कर रहा आज। कौन है ठेकेदार? आपको ठेकेदार का आइडिया नहीं? अपना समस्या आ रही है। हाँ, समस्या तो आएगी इसी। तभी तो हम देख रहे हैं, तो काम बंद पड़ा हुआ है। नहीं, वो लेबर सब खाना खा के बैठा हुआ हूँ। आज क्या पाइपलाइन जुड़ गई है क्या? वो लेबर करके ना कल से गिट्टी डालेंगे, गिट्टी आ गई है। पाइपलाइन जोड़ने के लिए टूट गई पाइपलाइन? पाइप तो सब टूट गया था, नल के पाइप, नल के पाइप टूट गए, पाइपलाइन फूट गई थी क्या? रोड फूटी गई है ये रोड बनाने के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर सभी प्रधान मुख्य डाकघरों से विशेष डाक टिकट का कलेक्शन जारी किया जा रहा है। इस अवसर पर रतलाम प्रधान डाकघर में शनिवार को फिलाटेलिक मीट आयोजित की गई, जिसमें धार्मिक डाक टिकट की शीट 65 रुपए की विक्रय की गई। मुख्य डाकघर अधीक्षक TR मारू ने बताया, मैं TR मारू, पोस्टमास्टर रतलाम, मुख्य डाकघर। जैसा कि आप और हम सब लोगों को याद है कि आज हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं वर्षगांठ जो है उनके पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। और डाक विभाग ने भी ये निर्णय लिया गया है कि उनके पराक्रम दिवस को पूरे जोर शोर के साथ मनाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक फैलाने के लिए, बताने के लिए हमारे डाक विभाग ने भी उनका एक स्मृति चिन्ह के रूप में आज जितनी भी हमारे को डाक प्राप्त हुई है उन डाक के ऊपर वो सील मोहर लगा के उसको वितरण करने के निर्देश हमारे विभाग द्वारा दिए गए थे। तो आज हमारे पास 356 स्पीच पोस्ट और 264 रजिस्ट्री लेटर और आर्डनरी लेटर 4016, इस प्रकार कुल 4636 आर्टिकल पर हमारे द्वारा मोहर लगा कर जनता में वितरण किया गया है और उसका पूरा प्रचार प्रसार हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसी संदर्भ में एक यह भी निर्देश हमें डाक विभाग से प्राप्त हुए थे कि जितने भी रतलाम शहर में जितने भी फिलेटलिस्ट हैं उनके लिए एक स्मृति के रूप में आज जो है उनको भी एक कार्यक्रम आयोजित कर ये सारा जो है सेट बनाकर भेंट दिया जाए। तो ये सारा वितरण का जो है कार्यक्रम अभी हमारे द्वारा रखा गया है। सारे रतलाम यहाँ उपस्थित हुए, उन्हें ये स्मृति के रूप में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस शहर में देशभक्ति के साथ मनाया जाएगा। पर्व के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। राष्ट्रीय पर्व का मुख्य समारोह कृषि उपज मंडी में ही होगा। समारोह के लिए मुख्य आकर्षण परेड की पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मार्च पास्ट में पुलिस, होमगार्ड, पुलिस बैंड, महिला पुलिस सहित करीब 6 प्लाटून सलामी मंच से गुजरेंगे। इस बार स्काउट गाइड और NCC के प्लाटून के शरीक होने पर संशय है। इसी के साथ विभागीय योजनाओं की झांकियां भी प्रदर्शित होगी। घोड़ा रोज यानी नीलगाय पर किसकी रोक, इसकी तेज रफ्तार फसल को बर्बाद करते हुए तेज रफ्तार पकड़ती ही जा रही है। क्या ऐसे ही होगा किसानों की समस्याओं का समाधान या फिर कोई उचित कदम उठाया जाएगा? सालों से चली आ रही ये समस्याएं आखिर कब लगेगा अंकुश, या फिर ऐसे ही किसानों की फसल हजम करने के साथ साथ
डकार मारते रहेंगे। किसान रात दिन कर अपनी फसल को अपनी गाड़ी कमाई लगाकर बड़ी करने में लगा हुआ है, लेकिन घोड़ा रोज के झुंड किसान की लहलहाती फसल को कुछ ही घंटों मिनटों में चौपट व बर्बाद करके रख देते हैं। इन घोड़ा रोज के लिए 3 से 5 फीट तक की फेंसिंग, बाड़ या बागर कोई मायने नहीं रखती है। यह 4 से 5 फीट तक की फेंसिंग को कूद कर लांग कर आसानी से निकल जाते हैं। घोड़ा रोजों के झुंड से किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घोड़ा रोज 10, 20 से लेकर 50 तक की संख्या में रतलाम जिले के कई तहसीलों में लगभग समूचे क्षेत्रों में है, और ज्यादा तादाद में होने के कारण यह दिन और रात के समय अचानक सड़क पर भी आ जाती है। इस समस्या को लेकर कई बार किसानों ने वन विभाग व स्थानीय प्रशासन को अवगत भी करवाया है, परंतु वन विभाग या प्रशासन के पास भी इसका स्थायी समाधान या कोई अन्य उपचार नजर नहीं आता। किसान नेता भागीरथ पाटीदार ने बताया, क्या समस्या चल रही है घोड़ा रोज? समस्या सबसे ज्यादा तो यही है, घोड़ा रोज की है, जिसको नीलगाय बोलते हैं, और एक जंगली सुअर। बहुत सारे ऐसे लूज पाइप लाते हैं लोग, गरीब आदमी बेचारे ने पाइप लाइन नहीं गाड़ सकने, तो एक ही नाइट में पाइप पूरा काट देते हैं। क्या कीमत होगी एक पाइप की? एक पाइप की 1000 रुपए समथिंग रहता है, 100 से 150 फीट का आता है करीब करीब। और दूसरा ये कि आप फसल बो क्या है, जैसे चने हैं, डॉलर चने, अगर उनको पता चल जाए तो एक नाइट में पूरा खेत ही सब खा जाते हैं। और नील गाय तो इतनी हो गई कि जिसका कोई सीमा ही नहीं है, यानी जहाँ निकलती है खाती कम है पर उसको सब तोड़ फोड़ देती है। रोड पे निकले हम और रोड पे जब क्रॉस होता है तब अचानक आती है और फेंट लगती है बाइक वाले को, तो बेचारा वहीं 2-3 एक्सीडेंट हमारे यहाँ भी हुए, 2-3 एक्सीडेंट हमारे यहाँ हुए। तो हमसे हम तो यही चाहते हैं कि उनको किसी भी तरह से नष्ट किया जाए या कोई ऐसी सुविधा दी जाए या कोई ऐसी दवाई निकले ताकि पकड़ सके या उनको बाहर करें। हाँ। या हमारे एरिया में नहीं आए जहाँ हम रहते हैं। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं करी आपने? शिकायत तो बहुत सारी जगह की है, तहसील में भी कई बार की है, जिला कलेक्टर में भी दिया, और कोई कुछ नहीं होता है। जिले के जावरा औद्योगिक पुलिस द्वारा भानु प्रताप निवासी भाटखेड़ी थाना कालूखेड़ा बुधवार को अपनी निजी कार से पिपलोदा से घर की ओर आ रहे थे। शाम करीब 6 बजे जावरा औद्योगिक पुलिस ने कार को रोका और पूछताछ की। वहीं फरियादी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा मेरे साथ गाली गलौज मारपीट की गई और मेरी कार को पुलिस वाहन ने पीछे से टक्कर भी मारी और मुझे रोका। मैं किसी भी अपराध में लिप्त नहीं हूं, तो भी जबरन मुझे गाली गलौज की गई और मेरे साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित करणी सेना के पदाधिकारियों द्वारा थाने पर जाकर CSP को ज्ञापन दिया गया, और ज्ञापन में मांग की गई कि जिन पुलिस कर्मियों ने मारपीट की है, गाली गलौज की, उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। करणी सेना पदाधिकारी हरीश प्रताप ने बताया, कल हमारे एक साथी हमारे समाज की अजपुत समाज के भाटखेड़ी गांव के निवासी हैं, तो उनके गांव से जब पिपलोदा आ रहे थे तो जावरा आ रहे थे, तो रास्ते में औद्योगिक क्षेत्र की गाड़ी ने उन्हें रोका। साथ में कुछ सिविल ड्रेस में कुछ और व्यक्ति भी थे और जिन्होंने हाथ में लठ वगैरह ले रखे थे, हथियार थे उनके पास, तो उन्होंने उनसे रोक के पूछताछ करी, कुछ छानबीन करी, उसमें कुछ भी नहीं मिला। तो वो जब वापस आगे निकले गाड़ी से, तब पीछे से आके वापस एक क्रेटा थी गाड़ी, उन्होंने उसके टक्कर मारी। और जब उन्होंने पूछा, जानना चाहा कि आखिर क्यों टक्कर मारी गई गाड़ी को, और उस पर वो भी फोटो वगैरह भी हैं, फोटोग्राफ वगैरह, तो उन्होंने उसके साथ बदतमीजी करी, कॉलर वॉलर पकड़ी और चांटा वाटा भी मारा। तो उसी को लेके आज जब हम सबको सूचना मिली, तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार भी है सभी का कि भाई वाकई में जाके स्थिति का पता लगाया जाए कि क्यों ऐसा घटनाक्रम हुआ है एक आम व्यक्ति के साथ। क्योंकि अगर आम आदमी के साथ इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, पुलिस से हमारा ये रहता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन अगर पुलिस से ही भय बनेगा अगर आम व्यक्ति में, तो इसलिए हम आज औद्योगिक थाना क्षेत्र पे यहाँ पे आए थे, औद्योगिक थाना पे, और यहाँ पे TI साहब से मुलाकात हुई, जनक सिंह जी से, उनको भी हमने घटनाक्रम से वाकिफ कराया। उसके बाद CSP साहब से भी मुलाकात हुई है, तो CSP साहब को हमने ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने इस पे उचित कार्यवाही का आश्वासन। किस तरह की मांग थी आपकी कि किन लोगों को निलंबित करवाना चाहते थे, क्या था, कितने लोग थे? देखिए, हमारी तो मांग यही थी कि उस समय घटनाक्रम में जो जो भी व्यक्ति वहां पे थे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि पुलिस औद्योगिक की गाड़ी थी, तो पुलिस वाले यहां के वस्तुस्थिति जानते होंगे कि कौन व्यक्ति थे साथ में और कौन कौन आइडेंटिफाई है, क्योंकि उन जो वहां पे थे प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने तो केवल चेहरा देखा है, नाम तो किसी को पता है नहीं, ना बेच नंबर पता है, क्योंकि सिविल में थे। तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करके उन पे उचित कार्यवाही की जाए, या तो उन्हें निलंबित किया जाए, या उन पे जो भी FIR वगैरह करना है वो करें। जैसा हम तो ये चाहते हैं कि जैसा एक आम व्यक्ति के साथ अगर कोई अपराध करता है उसके साथ जिस तरीके का कानूनी कार्यवाही होती है, उसी तरह से इस पे भी किए इनके साथ भी की जाए।
इस मामले में जावरा CSP प्रदीप सिंह रणावत का कहना है कि करणी सेना के जिम्मेदार पदाधिकारी के द्वारा उसमें उनके द्वारा मांग की गई कल रात्रि को एक शराब जब पकड़ने हमारी पुलिस गई थी उस दौरान उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया है। इस संबंध में मैंने आवेदन दिया, उनको आश्वस्त किया है मैंने इस बात के लिए कि जो भी वैधानिक और परिप्रेक्ष्य कार्रवाई होगी सत्यता के करीब होकर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी सिविल ड्रेस के अंदर थे। ये बात आई है उनके द्वारा मुझे बताई गई ये वाली बात, तो मैं इस पर मैं इसलिए उनको बताया मैंने कि आप हमें समय दीजिए, हम जैसा भी होगा बिल्कुल जो सही होगा वही करेंगे। करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित थे सर सुनने में। हाँ, उनका ही कहना है सर कि भाई गाड़ी जब आपने रोकी, चेक करी गाड़ी, सब कुछ हुआ, सब कुछ होने के बाद भी अभद्रता की गई, ये इसी बात की तो मैं इसी बात की जांच कर रहा हूँ कि इसमें वास्तविकता क्या है। इसलिए मैं सर उनकी मांग है या तो कार्रवाई करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, तो सर इस पे क्या स्टैंड लेंगे? अब जो भी जिसकी गलती होगी तो मैं बोला कार्रवाई होगी।